स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं विकास कुमार, जो ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम से 10th क्लास और जो हमारे कंपटीशन के भाई बहन हैं उनके लिए सेवा उपलब्ध करा रहा हूं। देखिए, जो हमारा कार्बन टॉपिक चल रहा है वो हमारे कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको जानकारी दे दूँ। देखिए, थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है, जो अभी आपने 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़े हैं वो उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, ये टॉपिक थोड़ा अलग होता है भाई। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन सिस्टम से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ देखिए डायरेक्ट समझ में नहीं आती है, आप धीरे धीरे ही इसको सीख पाओगे। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर मैं इसकी की बात करूँ, जो टॉपिक हमारा चल रहा है, अगर इन्हीं की बात करें, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मेरी प्रत्येक वीडियो को फॉलो करोगे, प्रत्येक वीडियो को वॉच करोगे ठीक से, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे और उम्मीद है आप भूल नहीं पाओगे और रोजाना की तरह आप बिल्कुल ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अभी आप नाम से ही देख रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। क्या? हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन हो। समझ रहे होंगे आप जो मैंने आपको बात बताई है भैया, हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। ठीक है, अब हमें यहाँ ऐसे कंपाउंड लेने हैं, ऐसे यौगिक लेने होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन हो और दूसरा क्या बताया है भैया, कार्बन हो, तो उन्हीं को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है साहब, अब देखते हैं इसके एग्जांपल की ओर। जैसे कि आपका CH4 है भाई, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि CH4 हाइड्रोकार्बन क्यों हुआ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, तो हुआ ना हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी आपके दिमाग में और इसी तरह के कई सारे एग्जांपल घूम रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दो और देखते हैं, मान लेते हैं एथिलीन C2H4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, समझ गए होंगे बात। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन होता है और भैया कार्बन होता है, उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, इनका हम वर्गीकरण करेंगे, इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनके अंदर किस किस टाइप से, किस किस तरह से हाइड्रोकार्बन जुड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका पहला पॉइंट है हमारा हाइड्रोकार्बन का ही, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कि भैया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किस तरह के होंगे। ठीक है, अगर हम क्या बात करें, इनके बॉन्ड की बात करें, किसके बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोकार्बन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, जो बंद होते हैं, बंद मतलब जिनके द्वारा इनके परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बंद। ठीक है साहब, जैसे कि CH4 है, तो CH4 की अगर हम अकेले की बात करें, तो सी इस तरीके से क्या हुआ, ये बॉन्ड हुआ, ये समझ गए ना, तो इनको क्या कह लेंगे हम, इनको बॉन्ड कहते हैं। अब अगर हम बॉन्ड की बात करें, तो भैया जो हमारे एलिफेटिक होंगे वे भी दो तरह के होंगे, कौन कौन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, समझाओ। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, उदाहरण सहित पूछा जाता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया आप इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एलिफेटिक की ही बात करें, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। भैया खुली श्रृंखला मतलब जैसे कि ये है, तो इन्हीं को कह देंगे हम एलिफेटिक। और एलिफेटिक के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बाद में बात करेंगे, पहले हम असंतृप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एक बंध हो। क्या हो जी? केवल एक बॉन्ड हो, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड बोलते हो जिसको आप, एकल बंध हो, मतलब
आपके पास कार्बन है तो कार्बन और कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या हो, एक बंद हो, ये हो गया जी एक बंद, ठीक है, बाकी जो एक बंद आएगा चारों तरफ, तो इन्हीं को क्या कह देंगे हम, एकल बंद। तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, पैराफीन भी बोलते हैं जी, पैराफीन। अब इनको हम पैराफीन क्यों कहते हैं, इसका भी एक मेन कारण है कि इनको पैराफीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं किसके मुकाबले, असंतृप्त के मुकाबले, ये जो संतृप्त होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, इसी कारण इनको हम क्या कह देंगे, पैराफीन भी कहते हैं, ठीक है। पैराफीन आपका कोई सुना सुनाया नाम हो सकता है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफीन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये असंतृप्त के मुकाबले कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो चक्रीय और एक अचक्रीय, अचक्रीय और चक्रीय। चक्रीय में क्या आएंगे, जो कार्बन कार्बन परमाणु इस तरीके से संरचना बनाएंगे, ठीक है, ये क्या आ जाएंगे हमारे चक्रीय, मतलब जिसमें कोई ना कोई एक चक्र बने, ठीक है साहब, क्या बने इसमें, चक्र बने। जैसे ये चक्र मैंने आपको बना के दिखा दिया भाई, त्रिभुज का भी चक्र हो सकता है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे आप कार्बन की श्रृंखला को पूरी करने के लिए, इस तरीके से आप यूं जोड़ देंगे, ठीक है। देखो कार्बन एक दो तीन चार, कार्बन की संयोजकता पूरी है भाई, एक दो तीन चार कार्बन की संयोजकता पूरी है, एक दो तीन चार, इस तरीके से कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी है। कहने का मतलब अगर कार्बन की जो संयोजकता है वो कहीं ना कहीं चक्र के रूप में, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, समझिए बात को, कि चक्रीय, चक्रीय का मतलब अगर कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक चक्र बना रहे हो, चक्कर, ठीक है, चाहे वो चक्कर इस तरह का हो, इस तरह का भी हो सकता है, और अलग टाइप का भी हो सकता है, यूं भी बना सकते हो आप पंचभुजा का आकृति इस तरीके से, ठीक है साहब। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो है कार्बन की संयोजकता को पूरा करना, तो इसको हम यूं पूरा कर देंगे हाइड्रोजन जोड़कर, ठीक है, एक दो तीन चार हो गए ना, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, चक्रीय प्रक्रम बनाना होता है। अब अचक्रीय की अगर मैं बात करूं, अचक्रीय तो अचक्रीय क्या होते हैं कि जिनमें चक्कर ना बन रहा हो, जो बिल्कुल ओपन हो, जो बिल्कुल खुला हो, उसको क्या कह देंगे हम, अचक्रीय कह देंगे जी, ठीक है। अचक्रीय जैसे आपके पास मान लेते हैं CH4 है, CH4 मींस मेथेन है। अब जब हम मेथेन को लिखेंगे तो क्या होगा, CH इस तरीके से करोगे ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, अचक्रीय हो जाएगा, ठीक है। तो अचक्रीय में क्या होता है, जब श्रृंखला बिल्कुल इस तरह की हो तो वो क्या होगा, अचक्रीय होगा। और चक्रीय मतलब जब एक क्लोज साइकिल बन रही हो, ठीक है, एक बंद बन रहा हो साइकिल का, चाहे वो त्रिभुजाकार में बनना हो, वृत्ताकार में बनना हो, कैसे भी बनना हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए भैया, वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए हमारा क्लोज। उम्मीद है आपकी आज का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड, जिसका नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको पढ़िए। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।